आकाश मिश्रा लखनऊ में रहने वाला एक 15 साल का मेधावी छात्र था। हर साल क्लास में अव्वल आने वाले आकाश को इस साल 10वीं बोर्ड की परीक्षा देनी थी। दिन रात मेहनत करने वाले आकाश से उसके माता पिता खुश रहते थे। स्कूल में भी उसके टीचर्स और स्टूडेंट्स उसकी वाहवाही करते नहीं थकते थे। इस साल प्री बोर्ड में आकाश ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन न जाने क्यों उस एग्जाम के बाद से ही आकाश में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगे थे। आकाश कभी गुमसुम रहता तो कभी एकदम नॉर्मल, कभी एकदम खुश। आकाश को दरअसल समझ नहीं आ रहा था कि दोस्त तो उसके बहुत से हैं, लेकिन तब भी उसे कभी कभी अकेलापन क्यों महसूस होता है। आजकल सुबह उठने का मन भी नहीं करता और दिन भर बिस्तर में पड़े रहने को जी चाहता है। दरअसल इतने सालों में आकाश में कंपटीशन की भावना काफी बढ़ गई थी। उसे बस हमेशा फर्स्ट आना था। कम नंबर लाना वो सहन ही नहीं कर पाता था और इस साल बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की टेंशन भी उसे सता रही थी। मन ही मन वो डरता था कि मेरे नंबर कम आने से मम्मी पापा, मेरे टीचर्स और मेरे दोस्त मुझसे बात करना बंद कर देंगे या पसंद नहीं करेंगे, मुझसे प्यार करना छोड़ देंगे। बस ऐसे ही कुछ कुछ बातें हर टाइम उसके दिमाग में घूमती रहती और वो अकेले में रोता रहता। अपने आप को कमरे में बंद करके आकाश बस चुपचाप और गुमसुम बैठा रहता। ऐसा नहीं था कि वो अपना ये व्यवहार बदलना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें ताकत ही नहीं रही। उसका शरीर और दिमाग हमेशा उसे थका सा लगता था। आकाश के साथ इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन अपने मम्मी पापा के सामने वो हमेशा नॉर्मल रहने की कोशिश करता, क्योंकि उसको ये कभी समझ नहीं आया कि वो उनसे क्या बोले, क्या साझा करे और कैसे बताए कि उसे क्या महसूस होता है। एक दिन आकाश बाहर घूमने के लिए गार्डन में जाकर बैठ गया, तभी उसके पड़ोस के रॉकी भैया नजर आए। रॉकी भैया की उम्र थी 20 साल। इंस्टाग्राम पर बड़े पॉपुलर रॉकी भैया अक्सर अपनी मर्दानगी दिखाते हुए शहर में घूमा करते थे। रॉकी भैया आकाश के पास आकर उसका हाल चाल पूछने लगे। थोड़ी बातचीत हुई ही थी कि पास में एक लड़के को खेलते हुए चोट लग गई और बरबस उस लड़के के आंसू निकल आए। वो लड़का दर्द के मारे रोने लगा। आकाश और रॉकी दोनों का ध्यान उसकी तरफ गया, लेकिन दोनों के रिएक्शन एकदम अलग अलग नजर आए। लड़के को देखकर एक तरफ आकाश को तकलीफ हुई तो वहीं दूसरी तरफ रॉकी भैया हंसने लगे और आकाश की तरफ देखकर बोले, हूँ क्या लड़का है यार, ऐसे एकदम लड़कियों की तरह रोता है, लड़के भला रोते हैं क्या? अरे अपन लोग हैं एकदम असली मर्द, क्या अपन को ये दर्द वर्द नहीं होता, लड़के थोड़ी रोते हैं, लड़के होते हैं स्ट्रांग, क्या समझा आकाश? रॉकी ने चुटकी मारते हुए आकाश की हामी का इंतजार किया। आकाश को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे लगा ये भैया बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे और उसने हाँ में सर हिला दिया। अब रॉकी तो ये बात कहकर अपने दोस्तों के पास निकल गया, लेकिन ये मर्द वाली बात आकाश के दिल में घर कर गई। घर की ओर वापस आते समय आकाश अपने इमोशंस, अपनी परेशानियों और अपने रोने वाले व्यवहार, अपनी दिक्कतों को एनालाइज करने लगा। क्या आकाश, तू लड़का होकर परेशान होता है, अपन लड़के तो स्ट्रांग होते हैं, ये सारी हरकत तो लड़कियां करती हैं। मन ही मन में ये बातें बड़बड़ाने के बाद आकाश ने यह फैसला कर लिया कि अभी तक जो परेशान रहता था, उसको जो अकेलापन महसूस होता था, ये वाली फीलिंग तो अब वो किसी को बताएगा ही नहीं। उसे लगने लगा कि ये सब किसी को बताएगा तो लोग सोचेंगे कि वो स्ट्रांग नहीं है, लड़कियों जैसी हरकत करता है। दिन बीतते गए, लेकिन आकाश कभी खुश रहता तो कभी वापस अपने उसी फेज में पहुंच जाता। धीरे धीरे अकेलेपन और इस कश्मकश भरे इमोशंस को दबाकर आकाश रोजमर्रा का जीवन जीने लगा। इस बीच आकाश के कजिन भैया उसके घर आए। ऋषि की उम्र थी लगभग 19 साल और वो फिलहाल एक सरकारी कॉलेज से MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। ऋषि आकाश का हमेशा से ही फेवरेट भाई था। बेहद सुलझे और समझदार ऋषि पर आकाश पूरा भरोसा करता था और अपनी ज्यादातर बातें उससे शेयर करता था। ऋषि के आते साथ ही आकाश के पापा ने ऋषि से अपने बेटे की शिकायतें लगानी शुरू कर दी। उनको लगता था कि आकाश आलसी हो गया है
इसीलिए वो न पढ़ाई पर ध्यान देता है न खेलता है, बस सोने के बहाने खोजता रहता है। ऋषि को बात जरा खटकी और उसने आकाश से इस बारे में बात करने की ठानी। रात को खाना खाने के बाद दोनों भाई छत पर बैठे थे, तभी ऋषि ने आकाश से उसकी पढ़ाई लिखाई और दिनचर्या की बात पूछी। आकाश ने असलियत छुपाते हुए सब कुछ अच्छा ही बताया। दोनों की किसी रैंडम टॉपिक पर बातें चल रही थी, तभी आकाश के मुंह से निकला कि लड़के तो स्ट्रांग होते हैं, वो कभी घबराते या रोते थोड़े ना हैं। ये सुनते ही ऋषि के कान खड़े हो गए और वो समझ गया कि इस बच्चे को किसी ने बड़ी अजीब सलाह दे डाली है। ऋषि ने तपाक से बोलना शुरू किया और कहा, नहीं, ये तुमसे किसने कहा? परेशान होने से या रोने से कोई भी कमजोर नहीं कहलाता आकाश। तुम्हें याद होगा कि मैं 12वीं क्लास के साथ ही मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था। मुझे दिन रात ये डर सताता था कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा, वगैरह वगैरह। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। न मुझे पढ़ाई करने का मन करता था, न किसी से बात करने का। मैं कभी भी ऐसे ही बैठे बैठे रोने लगता था। पहले मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उस चीज को और सहन नहीं कर पा रहा था। इतना प्रेशर, इतना अकेलापन मुझे खाए जा रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर एक दिन मम्मी को ये सारी बातें बताई। मम्मी तुरंत अपने एक साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड के पास ले गई और मेरी थेरेपी शुरू करवाई। आंटी के साथ मैंने अपने सारे डर बताए, अपनी सारी तकलीफ और परेशानी बताई और कुछ महीनों बाद मैं अच्छा महसूस करने लगा। मेरी पुरानी जिंदगी वापस मिल गई थी। आकाश, कहीं तुम्हें भी ऐसी कोई परेशानी तो नहीं? ऋषि ने जैसे ही ये सवाल आकाश से पूछा, उसके आंसू बहने लगे और फिर उसने सारी बातें ऋषि भैया के साथ शेयर की, उसके इमोशंस, उसकी तकलीफ सब। ऋषि ने आकाश को गले लगाया और ये सारी बातें अपनी मम्मी से भी करने की सलाह दी। साथ ही आगे भी बोला, आकाश, हम सब इंसान हैं, हम सब में इमोशंस हैं, हम सब कभी परेशान होते हैं, कभी हंसना रोना या आंसू निकलना एक तरह का रिएक्शन है। मतलब हम तकलीफ में हैं तो ये बहुत आम बात है कि हम रोएंगे, जैसे हम हंसकर अपनी खुशी को इजहार करते हैं, ठीक उसी तरह रोकर हम अपनी तकलीफ बताते हैं। रोने में कोई बुराई नहीं है, अपनी परेशानी बताने से तुम कमजोर नहीं होगे। पता है, बहुत से लड़कों को इसी बोझ के नीचे दबा दिया जाता है। वो अपनी भावनाएं छुपाते छुपाते इतना टूट जाते हैं कि अपना जीवन तक खत्म कर लेते हैं। हमारे देश में लड़कियों की तुलना में लड़कों के सुसाइड रेट ज्यादा हैं और इन सब की वजह है ये बेवजह का मर्दवाद। हमेशा याद रखना कि जीवन बहुत लंबा है और बहुत सुंदर है। कोई परेशानी या तकलीफ है तो बस एक फेज है जो निकल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है हमारा जीवन। आकाश, किसी की भी लाइफ एक जैसी नहीं होती है, कभी बहुत मजे होते हैं तो कभी कुछ परेशानियां भी होती हैं। बस अपनी परेशानी हमेशा बताओ, चाहे अपने दोस्तों से, चाहे माता पिता को या किसी को भी, लेकिन शेयर करोगे तो मन हल्का होगा, लेकिन साथ ही तुम्हें भी अपने दोस्तों की परेशानी सुनना सीखना होगा। सो बी अ गुड लिसनर। आकाश ने सारी बातें ध्यान से सुनी और अगले दिन सुबह अपने मम्मी पापा से सारी बातें शेयर की। दोनों के आंखों में आंसू थे, बस उन्हें बुरा ये लग रहा था कि कैसे हम हमारे ही बच्चों की तकलीफ को समझ नहीं पाए। लेकिन शायद गलती उनकी भी नहीं थी। डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ के बारे में पता लगाना या उसको समझना इतना आसान नहीं होता। बच्चों से समय समय पर उनके जीवन के बारे में, उनकी परेशानियों के बारे में बातें करने से शायद पेरेंट्स भी इस परेशानियों को भांप सके। आकाश की मम्मी ने उसे गले लगाकर एक बात और समझा दी कि मार्क्स से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क पड़ता है उनके बच्चे की खुशी से। कल को चाहे आकाश कितने भी मार्क्स ले आए, उसके मम्मी पापा का प्यार उसके लिए कभी कम नहीं होगा। आकाश के पापा ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर कुछ दिनों में आकाश को अच्छा नहीं लगता तो उसे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर लेकर जाएंगे। आकाश के मन से बोझ हल्का हो गया। उसने तुरंत जाकर ऋषि को गले लगाया और सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू कहा। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट के जरिए हमें बताएं। सुनते रहिए और पढ़ते रहिए अनबाउंड स्क्रिप्ट।